हेलो फ्रेंड्स, वेद एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपना एक टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जिस पे हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसके बेसिक्स पे वीडियो अपलोड है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लो, चाहे आप बैंकिंग का ले लो, चाहे एसएससी का, सब में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है, हमें काफी कैलकुलेटिव लगता है। एक्चुअली उसका जो फॉर्मूला है ना, उसमें वैल्यू पुट करने पे काफी हार्ड हो जाता है और निकालने में भी काफी प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी वही ट्रिक यूज हुई थी। आज हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे उसमें भी। आज जो ट्रिक बताने वाला हूं, ये आपको उस तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो कीप वॉचिंग अस और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास कंटिन्यूस अपडेट आ सके। देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है। 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का, मतलब 1.5 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखो दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें जो टाइम आपका दिया गया है वो कितना है, 1.5 वर्ष दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, देखो सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा जो आपके लिए लिखने वाला हूं। यहां देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो मूलधन है वो कितना है, गिवन डेटा लिख देता हूं मैं आप सबके लिए, 10,000 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो है 5% और टाइम दिया है 3/2। अब अगर आप इसे फॉर्मूले से 3/2 या 1.5 ईयर, इसे क्या कहोगे, 1.5 वर्ष। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है, इयर्स पे आपका। अब इसमें जो मैंने मेंशन किया है सब कुछ, ये आपका गिवन डेटा है एंड दे आर आस्किंग सीआई। ये हमें फाइंड आउट करना है कि भाई सीआई क्या होगा। तो 1.5 वर्षों के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बिल्कुल शांत रखे माइंड को। आप कुछ नहीं, जैसा हम साधारण ब्याज के लिए करते थे ना, आप मेरे वीडियोस देख लेना, वही यहां पर करना, बस थोड़ी सी मेथड चेंज है। पहले साल के लिए आप क्या करोगे, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर में तो सेम होता है। 10,000 का आपको कितना निकालना है, 5% फर्स्ट ईयर। फिर जब दूसरे साल में जाओगे तो भाई दूसरे साल कितना हो गया आपका, हाफ ईयर है, ये याद रखना। कितना है आपका, हाफ ईयर। बस आंसर आपके सामने आ जाएगा, देखते हैं। 10,000 का 5% आपको पहले साल में मिलेगा। तो भाई 10,000 का 10% कितना होगा, हम 10 का भाग करते हैं 10% निकालने के लिए। 10,000 में 10 का डिवाइड करो, 1,000 का अगर आप देखोगे यहां पर हाफ कितना होगा, 500, मतलब वो कितना हो जाएगा, 5%। अगर 10% 1,000 है तो उसका जस्ट हाफ 5% होगा। हाँ, तो 10,000 का 10% 1,000 और उसका हाफ कितना हुआ, 500। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जो अगले वर्ष करने वाले हैं उसमें आपको 500 तो मिलेगा 5%, लेकिन कितने साल के लिए है, हाफ ईयर, तो मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ। प्लस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 500 का 5% आपको अब निकालना, 500 का 10%, 10 का भाग करो 50, 10 का भाग किया तो 50, 50 का आधा 25, तो 5% कितना होगा, इसमें कितना परसेंट लगा, तो 25। अब 500 प्लस ये कितना हो जाएगा, 250, तो कितना, 750 प्लस 25, तो 775 रुपीज। जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपने रिटेलिंग में देखा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं, आपको बेटर समझ में आता जाएगा। आप ये ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन ब्याज पे भी क्या मिलता है, ब्याज। 6,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, आप कितने वर्षों के लिए निकाल लो फ्रेंड्स, में 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 6,000 रुपए पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए फ्रेंड्स, 3। तो मैं यहां पर डेटा लिख लेता हूं। पहले पी आपका कितना दिया गया है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया आपको, 3। बेसिकली अगर फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लेंदी है, लेकिन आप इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ नहीं करोगे आप, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले आप समझोगे इसे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लिख दूंगा इसमें, ठीक है। अब
इसमें अगर हम देखेंगे 6000 का 5%, तो सबसे पहली बात तो होती है हमें कैलकुलेट करते ही नहीं बनता कई बार, तो देखो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6000 का कितना निकालना, 5%, 6000 में 10 का भाग करो 600, तो ये हो जाएगा क्या 10%। 6000 अपने आप में 100% है भाई, मूलधन था, मूलधन का 5% निकालो, तो पहले 10% निकालो उसका हाफ कर दो, तो भाई 6000 का 10% कितना होगा 600, 600 का आधा 300। अब ये 300 आपको तीनों साल मिलेगा, ठीक है, मूलधन पे तो मिल नहीं है। अब दूसरे साल से क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज होता है उस पे ब्याज मिलता है, फिर तीसरे साल क्या होता है, पहले और दूसरे साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, देन सो ऑन, चौथे साल होता है तीसरे दूसरे पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। मतलब एट लास्ट कहने का है कि ब्याज पे आपको क्या मिलता है फ्रेंड्स, ब्याज मिलता है, ठीक है। चलो अब इस पे, इस 300 पे भी कितना मिलेगा 5%, तो भाई 300 का 10% 30, 10 का भाग करेंगे कितना आएगा 30, 30 का आधा 15। अब प्लस यहां और कोई ब्याज तो था नहीं, अब तीसरे साल आ गए भाई, इस 300 पे जब आपको 5% मिलेगा यहां तो कितना आएगा 15, इस 300 पे आएगा तो कितना आएगा 15, ठीक है, आप समझते चलो। अब ये 15 पे अगर आपको निकालना है तो थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। 15 का कितना निकालना है 5%, 15 का 10%, 15 में 10 का भाग करो, करके देख लेते हैं कितना आया यहां 1.5। अब 1.5 का आधा आपको क्या करना है, 1.5 का हाफ, तो भाई 2 का डिवाइड कर लो, है ना, यहां पर किसका डिवाइड कर लो, 2 का डिवाइड कर लो, 2 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा यहां पर कैंसिल करने पे 0.75, 0.1 का आधा 0.05, तो आपका कितना हो गया हाफ 0.75। अब आप आसानी से कर सकते हो, देखो अगर ये पॉइंट में भी दिक्कत हो रही थी तो ये डेढ़ था, ये क्या है 10%, अभी पॉइंट भूल जाओ, कितने अंक बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है आपके, एक डिजिट है, ठीक है। अब आप ये याद रखो कि ये क्या है 1.5, बस ये ध्यान रखना कि आपको पॉइंट में नंबर शिफ्ट करना ही करना है एक, तो पहले 15 का आधा कितना होता है 7.5, लेकिन यहां पर किसका निकालना, 15 नहीं 1.5, तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.75। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर कोई दिक्कत आती है देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तो हम इसके लिए आपके लिए स्पेशली लेक्चर लेके आएंगे। अब यहां पर इस 15 पे भी मिला तो कितना आया 0.75, 5% मिला भाई, इस पे कितना हो गया 900, 15 15 15, तीन बार, देखो आप ये जो ब्याज था जो 300 पे मिलता है ये कितनी बार आया, तीन बार, और अल्टीमेटली इस 15 पे मिलने वाला कितनी बार आया, जो ये 15 पे मिलता है इस वाले 15 पे, एक बार। तो अभी तो मैं आंसर लिख रहा हूं, फिर आपको ट्रिक समझनी, 15 तीन बार है तो यहां पर 945.75 रुपीस आपका आंसर है, ठीक है। अब इसे और कैसे, हम और छोटा कैसे करें, कुछ मत करिए, देखिए एक मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा, है ना, ये सेल्फ मेड है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत आसान ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो बहुत आसान है, इसे बस फॉलो करना आप सीख जाइए फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी होगी। 3i1 3i2 प्लस i3। अब ये i1 i2 i3 क्या है भाई, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट है। मैंने लिखा भाई पहला इंटरेस्ट जो कि मूलधन पे मिलेगा, फिर दूसरा इंटरेस्ट जो I1 पे मिलेगा, फिर तीसरा इंटरेस्ट जो किस पे मिलेगा आपको I2 पे मिलेगा। कैसे देखते हैं, I1 पे देखो गुणा नहीं करना, पहले I1, पहले क्या होगा P से I1, ठीक है, R परसेंट जो भी आपका, ठीक है, अब फिर I1 से I2 कितना R परसेंट, फिर ये I2 से भी आपको इंटरेस्ट लगाना है किसमें, I3। बस ये जो इंटरेस्ट है ना, इसे आपको वर्बल, मतलब आप परसेंटेज वर्बल निकालना सीख जाओगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, और इसके लिए मैं ऑलरेडी परसेंटेज पे 5 से 6 वीडियो, 7 वीडियो हैं जो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आप आसानी से डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अवेलेबल है हमारे वीडियोस, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर आपका कितना, जैसे ये पी था सेम वैल्यू 6000, एग्जाम्पल पूरा देखते चलना अच्छे से, है ना, यहां 3 आया, ठीक है, अब I1 की जगह पे क्या आएगा फ्रेंड्स, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 6000 पे 5%, तो 6000 का 10%, 600 का आधा 300, 5% हो जाएगा,
ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, ये आपका आई वन का काम कर रहा है प्लस थ्री। अब ये 300 पे भी आपको 5%, 300 का 10%, 30, 30 का आधा 15, तो ये आपका हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका आई टू। अब इस पे भी ठीक है, 15 का अगर आप करोगे तो 15 का जो आपका 5% है वो कितना आएगा, 0.75, डेढ़ का आधा कितना होता है 0.75, तो आपका गया 0.75। अब ये 900 प्लस 45 प्लस 0.75, तो आपका आंसर कितना हुआ एट द एंड, है ना फ्रेंड्स। देखिए बहुत आसान तरीका है, ऊपर मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि कैसे ही निकलता है। आप देखो एक दो तीन, तीनों के तीनों किस पे मिल रहे थे, आप ये देखो जो मूलधन पे इंटरेस्ट मिला उसी पे मिले कितनी बार, तीन बार, एक दो तीन, तीन बार आ रहे थे 3i2 प्लस जो इंटरेस्ट था आपका दूसरे साल में जो मिला था आपको उस पे भी, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे भी जो आपको इंटरेस्ट मिला था 0.75 वो कितनी बार था, एक, तो वो क्या हुआ i2 पे जो मिला i3, और इसी को हमने फोकस्ड करके यहां सॉल्व किया एंड यू गॉट द आंसर। आई थिंक आपको काफी इजी लगा होगा, और अगर आप कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन यू कैन कमेंट, यू विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच। अब फ्रेंड्स हम जो डिस्कशन करने वाले हैं अब उस पे जो साधारण बैंक में काफी आसान हो गया था जिस टाइप का क्वेश्चन कि कोई दिन भाई 15 साल 10 साल में दुगुना हो जाता है तो वो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा या वो इतने वर्षों में कितना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर चक्रवृद्धि ब्याज में आए तो हम इन्हें साधारण ब्याज टाइप नहीं कर सकते। साधारण ब्याज में एक्चुअली होता क्या है, साधारण ब्याज में आप कॉन्स्टेंट उतने ही टाइम में उतना ही पाते रहते क्योंकि वो मूलधन पे ही मिल रहा होता है। यहां पर चीजें मल्टीपल में चलती, वहां कॉन्स्टेंट ग्रोथ होती है, यहां मल्टीपल में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो वो कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे के जो अपकमिंग एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखते हैं भाई 15 वर्षों में स्वयं का क्या हो रहा था, दुगना। हमने माना हमारा धन कितना, देखो अगर आप चाहो ना तो आप 100, 200, 300 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ में आएगा। पी लिया, हमारा धन क्या था पहले पी, भाई 15 वर्षों के बाद वो कितना हो रहा है दुगना, तो यहां पर कितना हो जाएगा। फिर अगले 15 वर्षों के बाद यहां कितना हो जाएगा, मतलब डबल। तो ये याद रखो मैंने क्या बोला था, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो वहां जैसे यहां से यहां कितना बचा सिंगल पी, लेकिन फिर कितना हुआ डबल, ये मल्टीपल में चलता है। मतलब आपका जैसे पी से डबल 2p हुआ तो 2p से 4p हुआ, मतलब यहां अगर 100 होता 100 से 200 हुआ तो 200 से 400 हुआ, लेकिन ये चीज ये सीआई के लिए है। लेकिन अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता, साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ये 100 से कितना हुआ 200, तो यहां से कितना बढ़ा था 100, तो अब आगे भी कितना बढ़ेगा 100, तो ये 300 होगा। मतलब यहां चलती है कॉन्स्टेंट ग्रोथ, बट जब जब हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसमें चलता है आपका मल्टीपल्स में, मतलब इसका भी डबल इसका भी, जैसा चल रहा हो टाइम जितने टाइम इंटरवल में। इसमें क्या हो रहा था ट्वाइस, तो अब ये ट्वाइस ही होता जाएगा अगर 15 सालों में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने चेक किया, अब हमें कितना चाहिए था भाई 8 गुना ना, तो अगले 15 साल और, तो यहां पर कितना हो गया ये 8p, मतलब यहां कितना था 400, 400 से कितना हो गया भाई 100 से 800, 8 गुना हो गया। कितने सालों में हुआ, 15 और 15, 30, 30 और 15, 45, मतलब 45 ईयर्स में ये क्या हो गया स्वयं का 8 गुना। अब इसे करने का जो तरीका मैंने आपको बताया ये काफी इजी है कि हम मन में ही कैलकुलेट कर ले, और अगर इसमें भी डिफिकल्टी होती है देन आई एम टेलिंग यू वन फॉर्मूला, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, बता रहा हूं, ठीक है। एन टू बराबर एन वन की पावर टी टू अपॉन टी वन। अब यहां एन टू एन वन क्या है, मतलब कितने गुना बड़ा है, ठीक है वो है। तो आप यहां देखो अगर तो एन टू आपसे पूछा गया था, और ये पहले वाला, पहले कितना बढ़ रहा था दुगुना, मतलब कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपको चाहिए कितना 8 गुना, मतलब 8। अब यहां पर आपका जो T2 है वो क्या है, 8 गुना होने का समय
और T1 क्या है आपका, जिसमें N1 हुआ था, मतलब दगुना, तो आपको दिया हुआ है T1 कितना दिया 15 और T2 आपको यहां फाइंड आउट करना है। T2 वो समय है जिसमें वो 8 गुना हो जाता है। अब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। अगर बेस सेम हो तो आप पावर्स को इक्वल कर सकते हो। जी हाँ, यहां भी 2 था और वहां भी 2, तो पावर्स इक्वल में आ जाएंगे। हाँ, टी टू अपॉन 15 इक्वल 3, टी टू बराबर 45 ईयर्स, आपका आंसर है ये। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आपको जो मैंने पहले वाला बताया कि आप उस हिसाब से चलें तो आप काफी आसानी से निकाल पाएंगे। भाई 15 साल में दुगुना था, तो अगले 15 साल मतलब 30 साल में हो जाएगा 4 गुना, और उसके बाद 15 साल तो मतलब 4 का डबल 8 गुना, तो मतलब 45 साल में 8 गुना। ये समझना बहुत आसान है। अदरवाइज फॉर्मूला है, अगर कहीं प्रॉब्लम फेस हो रही और स्टिल कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आई एम फ्री टू देन यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं हमसे। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए। अगर आप अभी भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी तो मैंने फेसबुक पेज पे क्लियर भी किया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दो चैनल्स हैं, वेदन कॉम्पिटेटिव क्लासेस और मैथ्स विद मयंक, उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी सेंड कर सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करेंगे विद सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.